हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैथ्स की बात करते हैं तो सिर्फ लगभग आपका सेम ही चलता है, बस नंबर्स के चेंजिंग होते हैं। इस कारण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये आपका पार्ट थ्री होगा। इसके पहले हमने इसके बहुत सारे पार्ट करवा के रखे हैं वैसे तो, बट 2 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का ये पार्ट थ्री होगा। इसके पहले हमने 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस करवा के रखा है, साथ ही साथ इसके दो पार्ट भी करवा के रखे हैं। तो जिन लोगों ने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं, साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो सभी क्वेश्चंस देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चंस को छूटे ना एग्जाम में, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, ये आपका पार्ट थ्री है। इसके पहले हमने दो पार्ट अपलोड करके रखा है, जिसमें 50 क्वेश्चंस तक हमने करवा के रखा था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, यानी इसमें से सबसे अलग कौन है उसे चुनिए। एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है या पीतल है। चार ऑप्शंस है आपके पास। तो अगर एल्युमिनियम, लोहा, तांबा इन तीनों की बात करते हैं तो ये एलिमेंट्स होते हैं, जबकि पीतल की बात करते हैं तो ये आपका एलिमेंट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 मैथ्स का है। कह रहे हैं 2/7 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 2/7 को आप सरल कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो 35, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 2 = 10 प्लस 21 यानी 31, और इसी तरीके से करेंगे तो 7 × 2 = 14 प्लस 10 यानी 24। तो 31 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 35। 35 से 35 हमने कैंसिल कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 31 डिवाइडेड बाई 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कह रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। कह रहा है एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई आपको दे के रखा है 20 मीटर और यह एक दीवार पर टिकी है। इस तरीके से हमने दीवार और यहाँ पे सीढ़ी बना दिया, जिसकी की लंबाई आपको बोल के रखा है 20 मीटर है। जमीन से यह बनाती है 30 डिग्री का कोण, इसे हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। अब आपसे पूछ रहा है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो इसमें हम आसानी से लगा लेंगे किस चीज का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का आसानी से हम ला सकते हैं आंसर। साइन 30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, तो एसी डिवाइडेड बाय एबी डिवाइडेड बाय एसी, बिकॉज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एबी की वैल्यू हमें नहीं पता है, जो कि हमें निकालने हैं, और एसी इक्वल टू 20। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू एबी डिवाइडेड बाय 20। तो एबी की वैल्यू आपकी आसानी से आ गई कितनी, तो 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 56 है। कह रहे पी ने एक वस्तु को 1600 रुपए में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया, यदि इस वस्तु को 1840 रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 1600 में खरीदा था और 10% के लाभ पर बेचा था, लेकिन अब उसे यह बेच रहा है 1840 में, तो लाभ कितना पड़ रहा। तो अगर हम 1600 के वस्तु को 1840 में बेचेंगे, यानी हमें कितने रुपए की लाभ हुई, तो 240 रुपए की। और अगर यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज की, तो 240 डिवाइडेड बाई 1600 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, फिर 16 से हम इसे करेंगे तो 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 15 टाइम्स में हमारा हो गया, यानी कि 15% प्रॉफिट। पहले हो रही थी 10% की प्रॉफिट, अब हो रही है 15% की प्रॉफिट। तो लाभ कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो लाभ 5% बढ़ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 5.16 मल्टीप्लाई बाई 3.2 क्या होगा, आपसे पूछ रहा है 5.16 मल्टीप्लाई बाई 3.2। तो आप आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे और यह आ जाएगा 16.512, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है।
तो UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसका ट्रेडमार्क होगा? तो बेल लेबोरेटरीज का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज की परिमाप 200 है। एक त्रिभुज की परिमाप आपसे बोल रखा है कितनी है, तो 200 है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल है इस तरीके से, हमने इसके नाम दे दी ए बी और सी। कह रहा है इसके दो भुजाएं बराबर है, हमने मान लिया यह दोनों भुजाएं बराबर है, और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, यानी बराबर वाली भुजाओं अगर x x है तो तीसरी x प्लस 20 है। अब इसका परिमाप दे के रखा है 200, तो हम अभी इन तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो 3x plus 20 equal to 200, because वही तो हमारा परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 3x equal to 180, तो x equal to आ गया 60, ऑप्शन नंबर x equal to हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कह रहा है तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो हमने इसे आसानी से कर दिया, तो हमारा x 3x equal to आ गया 180। अब अगर 3x equal to 180 तो x equal to 60, हमसे पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई यानी 60 plus 20, तो ये आपका हो गया 80, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है 12 के प्रथम 20 गुणक का औसत बताइए। तो 12 के प्रथम 20 गुणक आपका क्या हो जाएगा? तो 12 गुना 1 प्लस 12 गुना 2, इस तरीके से 12 गुना 20 तक। हमने 12 को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस डॉट 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 20 तक। अब 1 प्लस 20 जो लगातार है उसके हम जानते हैं सम क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डॉट 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 20 का हमारा डायरेक्टली हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 2, 10 टाइम्स तो 210। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या, इसका सम हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 210, लेकिन हमसे पूछा है कि आप इसका एवरेज बताओ, तो 20 संख्या है तो डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल 6 टाइम्स, तो आंसर हो गया 126 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम जो है इस प्रकार है कि लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे सीमेंट से पूरी तरीके से भर दिया गया, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी, यह हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम देखें बाहरी आयाम है 22 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, तो अगर एक आयताकार बॉक्स होगा, वह 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, तो वह दोनों तरफ होगा। अगर लंबाई की बात करें तो आपकी दोनों साइड इसकी लंबाई में 1-1 सेंटीमीटर की मोटी मोटी लकड़ियां होगी, तो हमें दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर हटाना पड़ेगा, यानी 2 सेंटीमीटर लंबाई में, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई में अगर हम हटाएं, तो लंबाई हमारा आ गया कितना, 22 में से 2 हटाया तो 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 में से 2 हटाया तो 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 में से 2 हटाया तो 10 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है बॉक्स में सीमेंट की मात्रा क्या होगी, यानी आयतन पूछ रहा है, तो L into B into H, तो 15 गुना 20 गुना 10 यानी 3000 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है, तो यह होता है 3:2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यह आपका उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कह रहे 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया, जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन विटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा। तो यह जो थे, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी की आपकी बात की जा रही है जिसके चलते उसके सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा था, तो वह था वॉक्सवैगन। अगर हम बात करते हैं वॉक्सवैगन के अभी के सीईओ के, तो यह है हर्बर्ट डिस। तो ये तो 2015 की बात थी, अब आपसे करंट में जो भी रहेगा वो आपसे पूछेगा। फिर कह रहे 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन है, तो 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी गई थी सबसे पहले पार्क ग्विन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, टेनिस में हार्ड कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है, जिसकी सतह किससे बनी होती है? कह रहा है टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है वह ऐसा कोर्ट होता है जिसकी सतह किस चीज से बनी होती है, तो कंक्रीट से बनी होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, 30 आदमी
प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हम इसमें MDH का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 आदमी ने काम किया 5 घंटे और 16 दिन में पूरा किया। अब करना है 40 आदमी को 6 घंटे काम तो कितने दिनों में होगा? इस तरीके से हमारा इक्वेशन तैयार हो चुका है। 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स हो गया, 2 दो ना 4 और 3 दो ना 6, इस तरीके से हमारा आ गया 10 दिनों में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, तो सीता राम से कैसे संबंधित है? कह रहा सीता राम के परदादा के इकलौते बेटे की बात किया, तो यानी कि राम के ग्रैंडफादर हो गए। अब उनकी इकलौते बेटे बहू यानी राम की मदर तो सीता राम से कैसे संबंधित है? तो माँ है, ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68, आपको दे के रखा है क्या? तो प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस एंड डिवाइड का अर्थ है माइनस। तो आप बताओ 17 + 6 × 13 / 8 क्या होगा? तो हम यहाँ पे आसानी से कर देंगे, प्लस की जगह पे हमने बोला मल्टीप्लाई, तो 17 × 6 मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे हमें बता दिया है क्या है, तो प्लस है। तो यहाँ पे +13 एंड डिवाइडेड बाय का अर्थ हमें बता दिया है माइनस है 8, तो 17 × 6 = 102 प्लस यहाँ पे हमारा हो गया 5, तो आंसर आ गया 107, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 55, 53, 56, 59, 61, 69 और 31 की माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करो, तो सबसे छोटी है 31, उसके बाद 53, फिर 55, फिर 56, फिर 59, फिर 61 एंड फिर 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे बीच में हमारा कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पे बीच में 56 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसमें क्या करो, इसके एवरेज निकालोगे तो एवरेज आएगा 55.8 यानी अप्रोक्सीमेटली 56, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो सबसे कम आवृत्ति होती है लाल की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 तथा 2730 है। अगर एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो 3 × 2730 / 78 हम आसानी से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। हमने इसे किया सबसे पहले 26 times हो गया, अब आप इसे करोगे तो ये 105 times आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। आपको एक कथन दिया गया है, हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी रोगियों से कम ग्रस्त होते हैं। कह रहा है एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया हाल में, उसमें बताया गया कि जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करेंगे वो जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है? बिल्कुल सही है। दूसरा, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियों से ग्रस्त है, जिन्हें यह कोई जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से कथन दिया गया है कि भारत में कुछ टियर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में जो है कुछ टियर 2 शहर है जिसमें परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रमुख समस्याओं में से एक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सभी टियर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है? बिल्कुल गलत। दूसरा, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है? जी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2 तर्क संगत है। फिर कह रहा है सालोलिज्म का क्वेश्चन है, कह रहा है सभी चूहे पहाड़ हैं, सभी चूहे जो क्या है पहाड़ हैं। अब कह रहा है सभी पहाड़ क्या है, तो नदियां है। इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब इस पर निष्कर्ष है, पहला, कुछ नदियां चूहे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कुछ नदियां ही चूहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, तो यह गलत है।
सभी पहाड़ चूहे हैं, जी नहीं कुछ पहाड़ चूहे हैं तो यह भी गलत। कोई भी नदी चूहा नहीं है, यह भी गलत। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो कि 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल जो होता है केंद्र में 5 फुट की ऊंचाई पर होती है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के पार्ट्स भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।